हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी से संबंधित चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसकी प्रैक्टिस सीट लेकर आती हूँ। इससे पहले मैं सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस 2 की कंप्यूटर्स के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके उसकी एक्सरसाइज बुक सॉल्व एक्सरसाइज कर रही हूँ। उसके बाद मैं ओलंपियाड पर्पस से वर्कशीट लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मोर अबाउट द कीबोर्ड चैप्टर 5, सीबीएसई सिलेबस कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर। यह जनरली जो है मॉनिटर्स के आगे इसको रखा जाता है। दिस इज कीबोर्ड, मॉनिटर्स के आगे। नेक्स्ट, कीबोर्ड की। कीबोर्ड की में कितने की होते हैं ये हम जानेंगे और कौन कौन से की होते हैं। कीबोर्ड हैज़ मेनी स्मॉल बटन कॉल की। कीबोर्ड में छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिसको हम कीज़ कहते हैं। देयर आर कॉमनली 104 कीज़ ऑन ईच। सामान्य तौर पर कीबोर्ड में 104 की होते हैं। ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट फंक्शन। सभी कीज़ के अलग अलग काम होते हैं। वी टाइप लेटर, हम लेटर टाइप करते हैं। नंबर्स एंड ऑल्सो सिम्बॉल विद द हेल्प ऑफ दिस की ऑन द कीबोर्ड। नंबर्स और सिम्बॉल के साथ हम कीबोर्ड में बहुत सारे चीज़ कीबोर्ड पर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कीबोर्ड में कौन कौन से की होते हैं। पहला होता है अल्फ़ाबेट की। दीज आर 26 अल्फ़ाबेट की फ्रॉम ए टू जेड ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की होते हैं जो 1 से जेड तक होते हैं। दीज आर यूज टू टाइप लेटर वर्ड्स एंड सेंटेंस। इसका प्रयोग जो है लेटर लिखने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए और सेंटेंस लिखने के लिए किया जाता है। अल्फ़ाबेट कीज आर अरेंज इन द फॉलोइंग वे। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की इस प्रकार अरेंज किया हुआ रहता है। टाइप द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इस प्रकार हम ये सेंटेंस इस कीबोर्ड की मदद से टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर्स की। फ्रॉम 0 to 9 इन ऑल दीज आर 10। 0 से 9 नंबर्स की होते हैं जो टोटल नंबर्स ऑफ 10 होते हैं। ईच वन सो इन ए नंबर ऑन ईट। They are arranged in order the above top row of the alphabets की। अल्फ़ाबेट की के ऊपर ये नंबर्स की कीबोर्ड में होते हैं। These are used to type any number, big or small, roll number, amount, etc. इसका यूज़ हम कोई भी नंबर लिखने के लिए, चाहे वह बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, roll number, amount लिखने के लिए करते हैं। इस प्रकार के जैसे हमको टाइप करना है, माय रोल नंबर इज 39, तो 39 हमारा नंबर्स की हो गया जो यहाँ पर नंबर्स की दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इसकी मदद से हम जो है यहाँ पर नंबर्स की लिख सकते हैं। द नंबर्स की आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। नंबर्स की है कीबोर्ड के राइट साइड भी प्रेजेंट रहता है। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड आर न्यूमरिक पैड। इसको जो है जनरली हम न्यूमरिक की पैड कहते हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ न्यूमरिक की पैड प्रेस द नमलॉक की वंस। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक बार नमलॉक की को प्रेस करना पड़ता है। द नमलॉक लाइट विल बी टर्न ऑन एट द राइट साइड ऑन द कीबोर्ड। नमलॉक की लाइट जो है ऑन हो जाती है कीबोर्ड के राइट साइड में। फिर हम यहाँ से ये नंबर की से न्यूमरिक पैड कहते हैं, इसको न्यूमरिक की पैड बोलते हैं। यहाँ से भी हम नंबर्स को कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। और नंबर्स की हमारे टोटल कितने होते हैं, 0 to 9, दिस आर टोटल 10 नंबर्स की होते हैं। तीसरे प्रकार के हो जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर की। दे हैव डिफरेंट सिम्बॉल्स ऑन देन।
स्पेशल कैरेक्टर्स की इस प्रकार के होते हैं, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको स्पेशल कैरेक्टर्स की कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4, सम स्पेशल्स की, कुछ सम स्पेशल्स की के बारे में हम जानेंगे। सम स्पेशल की विथ डिफरेंट फंक्शंस आर एक्सप्लेन बिलो, कुछ सम स्पेशल की हैं जिसके हम फंक्शंस यहाँ नीचे जानेंगे। पहला है स्पेस बार की, दिस इज स्पेस बार की, इस प्रकार का स्पेस बार की होता है। द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में सबसे लंबा की कौन सा होता है, स्पेस बार की होता है। इट इज़ यूज टू गिव अ स्पेस बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, ये जनरली जो है लेटर और वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है। नाउ राइट योर नेम प्रेसिंग स्पेस बार की आफ्टर एवरी वर्ड्स इट लुक लाइक दिस, जैसे सपोज मान लीजिए टाइप हम इस प्रकार कर लेते हैं, माई नेम इज तानिया, अब इसको हम स्पेस बार की को यूज़ करके हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माई नेम इज तानिया। तो ये इस प्रकार का स्पेस बार की यूज़ करने के बाद इस तरह का लिखा हुआ दिखेगा। नेक्स्ट हम नंबर भी देखेंगे कैप्स लॉक की, द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर व्हेन यू प्रेस दिस की कैप्स लॉक लाइट टर्न ऑन, जैसे ये कैप्स लॉक की सिंबल इस प्रकार बना होता है, जब भी हमें कैपिटल लेटर लिखना होता है तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। जब कैप्स लॉक की को हम प्रेस करेंगे तो उसमें हमारा कीबोर्ड में लाइट ऑन हो जाता है, जैसे इस प्रकार हम कैपिटल लेटर्स में कैसे करेंगे, आई लव माई मदर एंड माई कंट्री, तो इस प्रकार का ये कैपिटल लेटर इसको ऑन करने के बाद लिखाएगा। अगेन प्रेस द कैप्स लॉक की, दिस टाइम कैप्स लॉक लाइट विल बी ऑफ, इसी प्रकार जस्ट बाद हम कैप्स लॉक की को इसी समय हम प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक की लाइट बंद हो जाती है। टाइप द सेम सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंट, और फिर हम इसको टाइप करते हैं तो हम देख पाते हैं कि वह स्मॉल में लिखा रहा है, यानी पहली बार जब कैप्स लॉक ऑन करते हैं लाइट ऑन होती है तो उससे हमारा कैपिटल लेटर लिखाता है, और जब हमारा कैप्स लॉक ऑफ करते हैं तो उससे हमारा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर सी एंटर की, इंटर की इज ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द मॉनिटर, प्रेस द इंटर की एंड सी द कर्सर जंप इनटू द नेक्स्ट लाइन, ये इंटर की इस प्रकार का होता है कीबोर्ड में, इंटर की पर जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन पर मॉनिटर में आ जाता है, प्रेस द इंटर की एंड सी द कर्सर जंप ऑन द नेक्स्ट की, जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई एम एस सेक्शन, आई एम इन सेक्शन ए, ये टाइप किए तो इंटर करेंगे तो हमारा कर्सर क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर डी, एरो की और कर्सर कंट्रोल की, एरो की या कर्सर कंट्रोल की को कैसे यूज़ करेंगे, देयर आर फोर एरो की, चार प्रकार के एरो की होते हैं, वी यूज देम मूव द कर्सर इज डिजायर्ड डायरेक्शन, अप एरो की मूव द कर्सर अप व्हेन प्रेस, ये एरो की हो जाता है चार प्रकार का, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, तो अप एरो की मूव द कर्सर अप व्हेन प्रेस, जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ कर्सर जाएगा, राइट एरो की जब हम इधर प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ प्रेस होगा, लेफ्ट की तरफ हम एरो की को यूज़ करेंगे तो हमारा कर्सर लेफ्ट की तरफ प्रेस होगा, और डाउन एरो की को हम प्रेस करेंगे, ये डाउन एरो की को अगर हम प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा नीचे की ओर प्रेस होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ई, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की इस प्रकार का होता है, व्हेन वी वांट टू इरेज समथिंग दैट वी हैव टाइप वी यूज द बैक स्पेस की, इट इरेज लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर, जब अगर हम चाहते हैं कि हम जो लिखे हैं उसमें से कुछ हमारा टाइप किया हुआ इरेज हो जाए कुछ लेटर, तो हम लेफ्ट साइड से बैक स्पेस की को हम प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड कर्सर के लेफ्ट साइड से कुछ लेटर इरेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एफ डिलीट की, डिलीट की इस प्रकार के सिंबल रहते हैं कीबोर्ड में, द डिलीट की इज यूज टू रिमूव और इरेज एनी कैरेक्टर और सिंबल प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ कर्सर, डिलीट की का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई कैरेक्टर सिंबल जो राइट साइड
कर्सर के राइट साइड में है वो हमारा डिलीट हो जाए। एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू इंडिया बट यू मिस्टेक यू हैव टाइप ए ए, दो बार अगर आपने ए टाइप कर दिया और आप लिखना चाहते हैं इंडिया, तो इन द एंड ऑफ वर्ड टू इरेज द लेटर, अब ए प्लेस द कर्सर बिफोर ईट एंड प्रेस द डिलीट की। तो हम ए के पहले कर्सर को रखेंगे और फिर डिलीट की को प्रेस करेंगे, तो इन दिस वे लेटर ए इज गेट इरेज। तो हमारा जो डबल ए लिखा रहा है वो हमारा वन ए जो है डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है शिफ्ट की। शिफ्ट की कीबोर्ड में इस प्रकार रहता है, देयर आर टू शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने शिफ्ट की होते हैं? टू शिफ्ट की होते हैं। सम की ऑन द कीबोर्ड हैव टू कैरेक्टर्स। शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप ए स्पेशल सिम्बॉल ऑन द अपर पार्ट ऑफ की। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड ऑन द शिफ्ट की एंड प्रेस द नंबर टू की, इट विल बी टाइप अ एट द रेट। होम की इज़ यूज टू मूव द कर्सर स्टार्ट द लाइन, वाइल एंड की इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑफ एंड द लाइन। शिफ्ट की का दो तरह से यूज़ किया जाता है। पहला यूज़ ये है, कर्सर शिफ्ट की से हम स्पेशल सिंबल को लिख सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड में अपर पार्ट में जो वर्ड लिखे होते हैं, या आप इस प्रकार इसे समझ सकते हैं, कुछ की में डबल डबल की लिखे रहते हैं जिसमें नंबर्स या सिंबल बने रहते हैं, तो उसमें जो ऊपर लिखा रहता है वो हमारा शिफ्ट की और उस नंबर की को प्रेस करने पर वो की हमारा टाइप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम शिफ्ट की को होल्ड करके नंबर टू को प्रेस करेंगे तो एट द रेट हमारा बन जाएगा, सॉरी। उसी प्रकार शिफ्ट की को यूज़ करने के लिए होम की इज़ यूज टू मूव कर्सर स्टार्ट एंड लाइन। होम की को हम यूज़ करेंगे तो लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा कर्सर, और उसी प्रकार हम एंड की को यूज़ करेंगे तो कर्सर हमारे लाइन के लास्ट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एंड की हम यूज़ कर रहे हैं, कर्सर हमारा यहाँ है तो लाइन के लास्ट में यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एच नम लॉक की। नम लॉक की इस प्रकार का होता है, नम लॉक की इज़ द फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। नम लॉक हमेशा कीबोर्ड के राइट साइड में नम लॉक की रहते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। व्हेन द नम लॉक की इज़ ऑन, यू कैन यूज़ नंबरिंग कीपैड ऑन द कीबोर्ड। इट हैज़ बीन कलर्ड येल्लो। जब हम राइट साइड में ये कीबोर्ड की रहता है और नम लॉक की को जब हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट जलने लगती है, और फिर इस नंबरिंग कीबोर्ड से हम नंबर को कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर जो है येल्लो होता है। अब एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसके की नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम एक बार वापस देख लेंगे। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। देयर आर कॉमनली 104 की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने की होते हैं कॉमनली? 104। द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की जो होता है लॉन्गेस्ट की होता है कीबोर्ड में, सबसे लॉन्गेस्ट की होता है। एंड इंटर की ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। इंटर की से हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ला सकते हैं मॉनिटर पर। पेरेंट्स, चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसके बुक एक्सरसाइज सॉल्व मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही।